जी हाँ नमस्कार, मैं आमोद आप सभी का अपने चैनल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय का अभी जस्ट इंटरव्यू हो गया है और सभी लोग अभी उम्मीद लगाए हुए कि फाइनल सिलेक्शन क्या कट ऑफ होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, टोटल सीटें जो हैं इस बार बढ़ा दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में काफ़ी फिजिकल एजुकेशन टीचर की ज़रूरत है। बहुत जगह पे बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर दूसरे स्टेट में, जो स्टेट एग्जाम हुआ था DSS भी उसमें ज्वाइन कर लिए हैं, जिसके चलते KVS में काफ़ी सारे पोस्ट खाली हो गई हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि 2000 मेरे पास 2014, 15 और 15, 16 का फाइनल मेरिट लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो है कट ऑफ है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आउट ऑफ 100, जो कि उस समय हुआ करता था 80:20 था, उसमें 74 फाइनल कट ऑफ गया था रिटेन और इंटरव्यू के लिए। OBC के लिए 69.44, AC के लिए 66.94, ST के लिए 67.50, OH ग्रुप के लिए 55.44, HH ग्रुप के लिए 64.44 और VH ग्रुप के लिए 63.50। उसमें सीटें भी काफ़ी कम थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, जिसमें कि जो रिटेन का जो कट ऑफ था इंटरव्यू कॉल के लिए आउट ऑफ 200 एक क्वेश्चन उसमें हटा दिया गया था, जिसमें जनरल का कट ऑफ था 130। आप देख सकते हैं यहाँ पर 130, 127, 119, 107। जी हाँ, जनरल का 130, OBC का 127, SC का 119 और ST का 107। जी हाँ, 2017 में जो कि इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय JNU ओल्ड कैंपस में हुआ था, टोटल जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किए गए थे। 2017 का मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ, हमारे पास लिस्ट है। जी हाँ, हमारे पास ये टोटल लिस्ट है जो कि फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ था, टोटल जो 2017 का जो हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं 126। जी हाँ, एक मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि एक जो जनरल डिग्री का जो बंदा था जस्ट कट ऑफ से 3 मार्क्स ऊपर था, 133, मुकेश कुमार मिश्रा। जी हाँ, 133, जिनका 85% जो था रिटेन में, अगर उनका मार्क्स देखा जाए 56.809 और इंटरव्यू उनका काफी अच्छा हुआ था 46, और अगर उनका इंटरव्यू का मार्क्स ऐड किया जाए तो 11.5, सो टोटल 68.309। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका रिटेन जो है आपका जस्ट क्वालिफाइड से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं कि शैलेश कुमार हैं जो कि ST का डिग्री के हैं, इनका भी बिल्कुल कट ऑफ के आसपास मार्क्स था 2017 में, लेकिन 120 आप देख सकते हैं, फिर इंटरव्यू 35 मार्क्स थे। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो आप टॉपर को मैं दिखाता हूँ, नवीन प्रकाश, जी हाँ AC कैंडिडेट थे, 128 लाए थे रिटेन में और देखिए इंटरव्यू में उनका 58, तो सीधे बढ़ गया आप 69.170 हो गया और इनका सिलेक्शन जनरल में हो गया। उसी तरह से एक और आप देख सकते हैं, अर्पित सक्सेना, जनरल कैटेगरी में जस्ट 130 कट ऑफ था लेकिन, और उनका आया था 131 और इंटरव्यू में उन्हें काफी अच्छा मार्क्स मिला था 54
मार्क्स मिले थे, मीन्स 13.50 और 69.45। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं तो आपके अच्छे मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल है। हमारे पास 2014 से 2015 तक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो मेरी इस बार उम्मीद है जैसे 2017 का मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, और जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्या इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि पोस्टें बढ़ा दी गई हैं, टोटल 147 हो गए हैं, जिसमें जनरल के 70 और ओबीसी के 45। ऐसे आप देखिए 2017 का जो फाइनल कट ऑफ जो आई थी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी रिटेन और इंटरव्यू बेसिस पे, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जो कि डेट 5/10/2017 को आया था, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था फाइनल मेरिट लिस्ट का, जिसमें 85 और 15 का रेशियो था, 85% जो कि रिटेन से लिया गया था, 15% जो कि इंटरव्यू से लिया गया था आउट ऑफ 60, तो 68.132 आप देख सकते हैं। फिर ओबीसी का 58.673 और एससी का 60.496 और एसटी का 57.058। ये कट ऑफ रही थी जब 200 मार्क्स का एग्जाम होता था उस समय और 60 मार्क्स, और इस बार आपका 150 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं। और भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, 2017 जो कि एग्जाम हुए थे जिसमें टोटल कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 16,586, उसमें टोटल कैंडिडेट जो आपको एब्सेंट रहे थे 4,707, जिसमें जनरल के जो आउट ऑफ 5,937 कैंडिडेट जिसमें प्रेजेंट रहे थे 4,480। इसी तरह से आपके ओबीसी का डिग्री में लगभग 2000 के लगभग कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम। उसी तरह एससी में भी आप देख सकते हैं 2808 में एब्सेंट जो कैंडिडेट थे 1670, मींस ओनली 400 के लगभग प्रेजेंट थे। उसी तरह एसटी में टोटल 657 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, 432 कैंडिडेट एब्सेंट थे। आप एक मैं आपका लिस्ट दिखा देता हूं कि जो कट ऑफ जो होता है, ये जो भी कस जैसी भी आपकी कट ऑफ जारी होती है, जो भी आपकी कट ऑफ होती है, तो उसके आसपास मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है कि आपका अगर मान लीजिए आप जनरल में है 80 है तो 80 पे आप ही केवल अकेले होंगे, ऐसे नहीं है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं 2017 से का मैं दिखाता हूं आपको 130 जो कट ऑफ था और जो जनरल का, देखिए 130 पे टोटल जो कैंडिडेट थे 15 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट थे जो 130 लाए थे। 131 पे आप देख सकते हैं कि 10, 132 पे 12, 133 7, 134 8, 135 4, 136 5, 137 06, 138 01, 139 04, 141 141-4, 142-2, 143-3, 144-1। जैसे जैसे हाई मार्क्स जाता जाता है, जैसे मान लिया जाए कि इस बार कटअप जो है जनरल का 80 है और ओबीसी का 78 है, एससी का आपका 75 है, एसटी का 70 है, तो उसमें हो सकता है कि 80 पे बहुत सारे कम से कम 10 या 15 हो कैंडिडेट हो, 20 हो, 30 भी हो सकते हैं, उसी तरह से 80 पे भी हो सकते हैं 20 हो। और जहां तक बात है कि इस बार जो मार्क्स जो क्वेश्चन थे काफी टफ थे, तो 100 के ऊपर बहुत ही कम होंगे, रेयर ही होंगे ऐसे। और आप मान लीजिए कि अगर बाय द वे आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपका सिलेक्शन होने के काफी चांसेस हैं। अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो हो सकता है कि आपके जो जनरल का है टोटल आउट ऑफ 100 में अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं 60 से 65, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जिसमें 85% रिटेन का वेटेज होगा और 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। तो मान लिया जाए अगर इस तरह से आपका अगर अच्छा इंटरव्यू हुआ है और रिटेन अगर आप बाउंड्री लाइन के पास भी है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं।
और ऐसा भी नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिटर्न में काफ़ी अच्छा होता है लेकिन इनको इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिल जाते हैं, 15 मार्क्स तो मान लिया जाए 3.75 समथिंग होगा, उसी तरह अगर और कम मिल जाए तो हो सकता है कि एक एक मार्क्स की यहाँ पे लड़ाई है। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका जो जनरल का जो कट ऑफ होगा 60 से 65 मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम भी हो सकता है 60 के बिलो भी जा सकता है, और ओबीसी का वही आपका 55 से 60 हो सकता है या अराउंड 60 भी हो सकता है, 55 से 60, और एससी का भी वैसे ही वेरिएशन होगा आपका 55 से 60 के बीच में हो सकता है, एसटी का भी वैसे ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 80 के करीब हैं, 70 से 80 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इस बार टोटल 402 कैंडिडेट को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, जिसमें जनरल के 202 कैंडिडेट थे और ओबीसी के 120 कैंडिडेट अराउंड थे, और इसी तरह से एससी मीन्स इस बार 2.5 गुना बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, इससे पिछले साल 2017 में हुआ था जिसमें 2 गुना बुलाया गया था, डबल बुलाया था जो भी सीट थे, तो उसके अनुसार तो आप उसी के अनुसार आप टेंशन मत लीजिए। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ है, इस बार आपको देखा गया था कि इंटरव्यू में जो भी एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, जो भी इंटरव्यू देने के लिए गए थे, उनसे एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछा गया था, और केवीएस ऑर्गेनाइजेशन होता है हमेशा एक्सपीरियंस वाले जो बंदे होते हैं उनको प्रीफर करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट आए जो ज्वाइन करते ही अपना काम शुरू कर दें, और फ्रेशर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है और कट ऑफ आपका रिटेन में अगर अच्छा मार्क्स है, ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है। और मेरी उम्मीद है ये जो भी कि ये कट ऑफ जो मैं आपको जो जानकारी दिया आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, और जो भी आप किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। इसी तरह अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ हमारे कमेंट में हमको कमेंट करें। थैंक यू।